हेलो दोस्तों, मैं आपका पसंदीदा स्टोरी टेलर आज आपको मार्वल एवेंजर्स की अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एस्गार्डियन लोकी का सामना ओथर से होता है, जो एक एलियन जाति का नेता है जिन्हें चिटोरी के नाम से जाना जाता है। टेसरेक्ट को प्राप्त करने के बदले में, जो एक अज्ञात क्षमता का एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है, वो लोकी को अपनी सेना देने का वादा करता है, जिससे लोकी पृथ्वी को अपने वश में कर सकता है। एक जासूसी एजेंसी शील्ड के हेड निक फ्यूरी एक दूर की रिसर्च लैब पर पहुंचते हैं, जहां भौतिक विज्ञानी डॉक्टर एरिक सेल्विक टेसरेक्ट पर प्रयोग करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे होते हैं। टेसरेक्ट अचानक सक्रिय हो जाता है और एक वर्म होल खोल देता है, जिससे लोकी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। लोकी टेसरेक्ट को चुरा लेता है और सेल्विक और क्लिंट बार्टन के साथ साथ कई एजेंटों को अपनी सहायता करने के लिए अपने राजदंड की शक्ति से गुलाम बना लेता है। जवाब में निक फ्यूरी एवेंजर्स इनिशिएटिव को सक्रिय करता है। एजेंट नताशा रोमानोफ गामा रेडिएशन के माध्यम से टेसरेक्ट का पता लगाने के लिए डॉक्टर ब्रूस बैनर की मदद लेने कोलकाता जाती है। फ्यूरी टेसरेक्ट को वापस लाने के लिए स्टीव रॉजर्स से मदद मांगता है और एजेंट फिल कॉल्सन टोनी स्टार्क से सेल्विक के शोध की जाँच करने के लिए मदद मांगता है। लोकी स्टटगार्ट जाता है, जहाँ बार्टन टेसरेक्ट की शक्ति को स्थिर करने के लिए आवश्यक तत्व इरिडियम चुराता है, लेकिन तभी रॉजर स्टार्क और रोमानोफ के साथ लोकी का टकराव होता है, जो लोकी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है। जब लोकी को शील्ड ले जाया जा रहा होता है, तभी उसका भाई थॉर आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, ताकि वह उसे समझा बुझाकर एस्गार्ड लौटने के लिए तैयार कर सके। लेकिन स्टार्क और रॉजर्स हस्तक्षेप करते हैं और लोकी को शील्ड के उड़ने वाले विमान वाहक पोत हेलीकैरियर में ले जाया जाता है, जहाँ उसे कैद कर लिया जाता है। एवेंजर्स में इस बात को लेकर मतभेद हो जाता है कि लोकी से कैसे निपटा जाए और क्यों शील्ड शक्तिशाली हथियार विकसित करने के लिए टेसरेक्ट का उपयोग करने की योजना छुपाता है। इस विवाद के दौरान लोकी के लोग हेलीकैरियर पर हमला कर देते हैं और इसका तनाव बैनर को हल्क में बदल देता है। एक ओर स्टार्क और रॉजर्स क्षतिग्रस्त इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर थॉर हल्क को रोकने का प्रयास करता है। रोमानोफ लड़ाई में बार्टन को बेहोश कर देती है और फिर लोकी का दिमागी नियंत्रण तोड़ने में उसकी मदद करती है। कॉल्सन को मारने के बाद लोकी भाग जाता है और एवेंजर्स को एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए फ्यूरी कॉल्सन के बलिदान और उसके एवेंजर्स पर विश्वास की बात करता है। लोकी टेसरेक्ट वर्म होल जनरेटर और सेल्विक का इस्तेमाल करके स्टार्क टावर के ऊपर एक वर्म होल को खोल देता है, जिसके द्वारा चिटोरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आक्रमण कर देते हैं। रॉजर्स स्टार्क रोमानोफ बार्टन थॉर और हल्क न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करने के लिए साथ में मिलकर एवेंजर्स के रूप में चिटोरियो से लड़ते हैं। एक ओर एवेंजर्स लोकी को हरा देते हैं, वहीं दूसरी ओर रोमानोफ सेल्विक को लोकी के दिमाग के नियंत्रण से मुक्त कराती है और सेल्विक उसे बताता है कि लोकी के राजदंड से जनरेटर को बंद किया जा सकता है। तभी विश्व सुरक्षा परिषद के सदस्य और फ्यूरी के वरिष्ठ अधिकारी मिडटाउन मैनहट्टन में परमाणु मिसाइल लॉन्च करके आक्रमण को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्टार्क मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है और उसे वर्म होल के माध्यम से चिटोरी बेड़े की ओर ले जाता है, जहां मिसाइल फट जाता है, जिससे चिटोरियो का मुख्य शक्ति केंद्र नष्ट हो जाता है और जिसके बाद पृथ्वी पर चिटोरियो की सेना की ताकत खत्म हो जाती है और वे निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरी ओर स्टार्क के सूट की ताकत खत्म हो जाने के बाद वह बड़ी तेजी से नीचे गिरता चला जाता है, लेकिन हल्क उसे बचा लेता है। उसी समय रोमानोफ लोकी के राजदंड का इस्तेमाल करके वर्म होल को बंद कर देती है। अंत में थॉर लोकी और टेसरेक्ट के साथ एस्गार्ड लौट जाता है, जहां लोकी को अपने किए का सामना करना होगा। इस घटना के बाद सभी लोग एक टीम के रूप में शील्ड के अंतर्गत काम करना शुरू करते हैं, जिसे एवेंजर्स कहा जाता है, ताकि पृथ्वी और मानव जाति को खतरनाक दुश्मनों से बचाया जा सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और विज़िट करिएगा। धन्यवाद।